सब्सक्राइब कीजिए द इनएफेबल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट पीसी बिल्ड वीडियोस के लिए। नमस्कार, अगर आप एक पीसी अपने लिए खरीदने की सोच रहे हैं तो आपने काफी रिसर्च की होगी, ऑनलाइन साइट्स और ऑफलाइन स्टोर्स के भी काफी चक्कर काटे होंगे। जहां तक मैंने नोटिस किया है, 15,000 से लेकर 30,000 की प्राइस रेंज में हमें फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर चिपका दिए जाते हैं, और अगर उसमें ग्राफिक कार्ड भी हो तो वो भी सस्ता और बेकार निकलता है। आज के टाइम में ऐसे प्रोसेसर्स और ग्राफिक कार्ड किसी काम के नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप ऐसे पीसी परचेस ना करें, और इसीलिए आज खास मैं एक ऐसा हटके वाला सिस्टम लाया हूँ जो 30,000 की प्राइस रेंज पर है। शॉर्ट में कहूँ तो बड़ा प्यारा सीपीयू है और मुझे बड़ा अच्छा लगा भैया। चलिए तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं सीपीयू के हार्ट से। प्रोसेसर में हमें मिल जाता है इंटेल कोर i5 थर्ड जनरेशन का 3470S, 2012 में लॉन्च हुआ है और कैपेबल है ऑफिस वर्क और गेमिंग के लिए। मीडियम टू हार्ड कोर गेमिंग बड़ी आसानी से हैंडल करने की ताकत रखता है अपना ये प्रोसेसर। प्रोसेसर की थोड़ी बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी देख लेते हैं। i5 3470S में 4 कोर्स और 4 थ्रेड्स मिल जाते हैं, जो कि मदद करते हैं हमारे प्रोसेसर को दिए गए टास्क को जल्दी खत्म करने में। क्लॉक स्पीड है 2.9 GHz की, ओवरक्लॉक कर सकते हैं 3.6 GHz तक। ओवरक्लॉकिंग करने पर हीट का भी ध्यान रखना है, वरना प्रोसेसर जलकर खत्म हो जाएगा, बता दे रहे हैं। 6 MB की स्मार्ट कैशे और TDP है 65 W। प्रोसेसर अपना मैक्सिमम 32 GB रैम झेल सकता है DDR3 टाइप वाली, और उसमें भी मैक्सिमम 1600 फ्रिक्वेंसी तक। आगे बढ़ते हैं और कंपेयर करते हैं हमारे i5 3470S को i3 6100 से। मल्टीपल परफॉर्मेंस में i5 3470S ने स्कोर किया है 6.5 और दूसरी तरफ i3 6100 ने 6.1। और सिंगल कोर परफॉर्मेंस में i3 6100 बाजी मार गया और स्कोर करता है 9.5, जबकि i5 3470S का स्कोर है 8.1। i5 3470S की GPU क्लॉक स्पीड है 650 MHz और दूसरी तरफ i3 6100 की 350 MHz। एक बार फिर क्लॉक स्पीड में i3 6100 बाजी मार जाता है 3.7 GHz के साथ, और अपना i5 3470S का क्लॉक स्पीड है 3.2 GHz। i5 3470S में 4 कोर्स अवेलेबल है, जबकि i3 6100 में हमें 2 कोर्स मिलते हैं। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में i3 6100 ज़्यादा बेटर है i5 3470S से, जस्ट बिकॉज i3 6100 में 6th जनरेशन इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इंस्टॉल्ड है। गेमिंग में हमारे ये प्रोसेसर कैसा परफॉर्म करता है वो हम आगे ज़रूर देखेंगे। फिलहाल आ जाते हैं इस बिल्ड के मदरबोर्ड पर। इस सीपीयू में हमें गीगाबाइट अजूस या फिर फॉक्सकॉम का H61 चिपसेट सीरीज का मदरबोर्ड मिल जाता है। ये एक बजट मदरबोर्ड है जो कि इंटेल पेंटेनियम i3, i5 और i7 के सेकंड और थर्ड जनरेशन प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। मैक्सिमम 16 GB की रैम DDR3 टाइप की, और उसमें भी मैक्सिमम 1333 MHz की फ्रीक्वेंसी तक। एक्सपेंशन स्लॉट्स में PCI Express 2.0, 3.0 मिल जाते हैं, 4 SATA केबल स्टोरेज के लिए और 8 USB 2.0, 4 बैक पैनल पे और 4 इंटरनल हैंडल के थ्रू। और बैक पैनल में हमें 1 PS2 माउस एंड कीबोर्ड पोर्ट मिल जाता है, 1 VGA पोर्ट मॉनिटर के लिए, 4 USB 2.0, 1 LAN पोर्ट और 3 ऑडियो जैक्स साउंड के लिए। 4 GB की 2 RAM स्टिक्स DDR3 टाइप की हाइनिक्स या फिर किंगस्टन ब्रांड की मिल जाती है। रैम में कुछ खास नहीं है, बजट रैम है, लो फ्रीक्वेंसी है, पर मदरबोर्ड के हिसाब से मैक्सिमम 1333 ही सपोर्ट करता है। मतलब कि अगर आपको ज़्यादा फास्टर रैम चाहिए तो मदरबोर्ड भी अपग्रेड करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि भाई कैसा परफॉर्म करेगा अपना ये सीपीयू गेमिंग और एडिटिंग में। गेमिंग में i5 3470S 8 GB की रैम और GT710 पर विचर 3 को लोएस्ट सेटिंग्स पर 15-17 FPS पर चला देता है। GTA 5 HD विद नॉर्मल सेटिंग्स पर एवरेज
25 FPS तक पहुंच जाता है। Assassin's Creed Syndicate HD with medium settings पर एवरेज 25 टू 30 FPS पर रन हो जाती है। Battlefield 1 लो रेजोल्यूशन विद पॉसिबल लो सेटिंग्स पर मुश्किल से 18 FPS तक पहुंच पाती है। बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए आप इस CPU में GTX 750 Ti या फिर GT 1030 इंस्टॉल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका बजट और रिक्वायरमेंट पर। अगर आप इस बिल्ड में 750 Ti इंस्टॉल करते हैं तो गेम्स में कुछ इस तरह की FPS में परफॉर्म करेगी। GTA 5 फुल HD विद हाई सेटिंग्स पर एवरेज 40 FPS पर चल जाती है। Battlefield 1 1366x768 रिजोल्यूशन पर हाई सेटिंग्स में एवरेज 60 FPS पर अच्छे से चल जाती है। Far Cry 4 फुल HD विद अल्ट्रा सेटिंग्स पे 35 FPS पर रन हो जाता है। Assassin's Creed Syndicate फुल HD विद मीडियम सेटिंग्स पर 30 टू 35 FPS पर चल जाती है। रही बात फोटो एंड वीडियो एडिटिंग की, तो भाई ये i5 सीरीज के प्रोसेसर सही चॉइस है इस काम के लिए, लेकिन हाँ, आपको ग्राफिक कार्ड तो अच्छा सा लगाना ही पड़ेगा। 450 वॉट्स का पावर सप्लाई मिल जाता है। 450 वॉट्स एफिशिएंट है इस बिल्ड को चलाने के लिए और साथ ही बजट ग्राफिक कार्ड को हैंडल करने के लिए। हार्ड डिस्क में सीगेट बैराकूडा 1TB मिल जाती है। स्टैंडर्ड 7200 RPM की स्पीड है। आप वैसे तो 4 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं मदरबोर्ड में, लेकिन हार्ड डिस्क बेस आपको कैबिनेट में सिर्फ 2 ही मिल रही है। और यहाँ कैबिनेट हमें रैंडमली कोई भी मिल सकता है, फिक्स नहीं है कि भाई यही वाला मिलेगा, डिपेंड करते हैं सेलर के स्टॉक पर, लेकिन कैबिनेट की बजट 2 से 3 हज़ार के अंदर ही होगा। ओवरऑल 30,000 के अंदर एक बजट गेमिंग पीसी है। मुझे इसमें अच्छी बात ये लगी कि भैया इसमें प्रोसेसर बढ़िया है, दूसरे असेंबल पीसीस की तरह नहीं है कि भाई वही सस्ता सा घिसा पिटा चिपका दिया। और नेगेटिव पॉइंट में मुझे इसका ग्राफिक कार्ड लगा, GT710। भैया बेकार कार्ड है गेमर्स के लिए, बता दे रहे हैं। सेलर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया हमें बिना ग्राफिक कार्ड का बिल्ड चाहिए, पैसे भी कम पड़ेंगे 2.5-3 हज़ार और आप उसमें अच्छा सा अपने रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस गेमिंग और वीडियो एडिटिंग में बहुत ही बेहतर कर देगा। अपग्रेड ऑप्शन आपको यहाँ पर सिर्फ ग्राफिक कार्ड में ही मिलता है। अगर आपको फ्यूचर में प्रोसेसर या रैम को अपग्रेड करना हो तो मदरबोर्ड भी उसके कंपेटिबिलिटी के हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में ला रहा हूँ आपके लिए चीपेस्ट गेमिंग बिल्ड की, बजट मेरे हिसाब से करीब 15,000 का होगा। वो वीडियो और मेरी न्यू वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।